अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हफीज। जो कहते हैं हर लोग कहते हैं बैक विद न्यू वीडियो, बैक विद इन कोरिया, बैक विद रीडिंग मीन कमेंट्स। लास्ट टाइम जो हमने किया था वो था रीडिंग मीन कमेंट्स। रोज वीडियो है, ये थोड़ी ओल्ड वीडियो है तो हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हम बाकी सारे ब्लॉग्स पे भी इनको कैप्चर करने वाले हैं। तो जब तक वो आते हैं तब तक हमने कहा ये करते हैं। यस, तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। चैनल चाहिए सब्सक्राइब। A few moments later. अबे मुझे चाहिए, मुझे दे देना। तू क्या करेगी Apple Watch का? Here it is. So ये रही Apple Watch, ये रहा इसका बैग और अभी हम इसको पहनते हैं। You look so pretty. Thank you so much Acha for sending me this beautiful watch. भगवान आप सबको ऐसा छोटा भाई दे। ये है कुमाते का आशीर्वाद आपके लिए। Anyway guys, जैसे कि आप वीडियो के टाइटल में देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं अजीब गरीब DMs जो कि मुझे Instagram पर मिलते हैं और कुछ कमेंट्स जो कि मुझे YouTube पर मिलते हैं। आज आपकी पूनम दीदी इतने DMs पड़ेगी किसी ने सोची ना होगी। लेकिन ये DMs पढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। तो कुछ लोग हैं कि जब भी मैं ये DMs पढ़ती हूँ तो उनको बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो बोलते हैं कि Oh my God, you are so rude. Why are you insulting people? अगर तुम इनका जवाब नहीं देना तो क्यों पढ़ती हो ये DMs? तो मैं इन लोगों को बोलना चाहती हूँ just chill guys. आपको तो पता है कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अजीब करीब है, तो इन छोटी-छोटी बातों पे सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं एक झाड़ू नहीं हूँ। तो बिना कोई बकवास के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो एक वीडियो में मैंने एक ड्रेस पहन रखी थी और जो ब्रा स्ट्रैप होती है तो वो शायद थोड़ी सी हल्की सी दिख रही थी, तो एक लकड़े ने कमेंट करा है तेरी ब्रा की स्ट्रैप दिख रही है तो तू भी ब्रा पहन ले, तेरी भी दिखेगी। मिस्टीरियस गेमिंग ने अर्ज करा है ये लड़की रोज तमीन स्टोर का दिमाग खाती है। देखिए मिस्टीरियस गेमिंग जी, तमीन स्टोर में दिमाग नहीं मिलता, अगर मिलता होता ना तो मैं खरीद के आपको बेच देती। शायद वो दिमाग खाते आपको कमीन स्टोर की स्पेलिंग ही आ जाती। तो किसी ने पूछा है व्हाट इज योर टैलेंट। आप टैलेंट की बात ही मत करिए, मुझ में इतना टैलेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं। टैलेंट नंबर 1, मैं नीचे गिरे हुए कपड़ों को मेरी पैरों की उंगलियों से उठा सकती हूँ। वाह क्या टैलेंट है। टैलेंट नंबर 2, अगर चाय में कोई बिस्कुट डूब जाए ना तो मैं उसको दूसरे बिस्कुट से निकाल सकती हूँ। टैलेंट नंबर 3, मैं पढ़ाई करते करते फोन भी चला सकती हूँ। इतना टैलेंट है लेकिन कभी घमंड नहीं करा। किसी ने पूछा है हाउ देसी आ रही हूँ। मैं इतनी देसी हूँ कि आपको क्या बताऊँ। मेरे घर में एक बड़ी सी थैली है जिसके अंदर पुरानी थैलियाँ हैं। जब कोई कपड़े पुराने हो जाते ना तो उनको फेंकने की जगह मैं उनका पोछा बना देती हूँ, इतनी देसी हूँ मैं। किसी आंटी जी ने लिखा है तू तो 50 साल की दिखती है। थैंक यू सो मच आंटी जी। इस बात में मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो सकती क्योंकि जो मेरी उम्र है ना वो है 55 साल। तो आंटी जी ने बोला कि मैं 50 साल की दिखती हूँ, इसका ये मतलब है कि मैं 5 साल यंगर दिखती हूँ। आई लव यू। एक और आंटी जी ने लिखा है इतना मेकअप करती क्यों हो। तो आंटी जी को मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरा खोबड़ा, मेरे पैसे, मेरा मेकअप, आपको क्या प्रॉब्लम। सो मेरी कमेंट सेक्शन में देसी लोग ही नहीं है, तिरंगी लोग भी बहुत सारे हैं। सो अलेक्सा जी की प्रोफाइल फोटो बहुत ही क्यूट है। मुझे लगता है कि उनका बर्थडे था क्योंकि उनके हाथों में 2 लाल गुब्बारे हैं। सुनो ये बोला है सुनो स्टेलो से मेजोरी सो कुत्ते तने पूरे देखते रहते हैं। सुनो देलो मिस्टर पता नहीं आते हैं ना हां नरमा तेरे से। अलेक्सा जी इतना लंबा कमेंट लिखने के लिए मुझो ग्रासियस। हमें भी थोड़ी अंग्रेजी आती है। किसी ने पूछा है कैन यू से हिंदी वर्ड्स इन इंग्लिश विदाउट यूजिंग हिंदी। चैलेंज एक्सेप्टेड। अंग्रेजी एक्सेंट, ग्लास, तुर्की एक्सेंट, ग्लास, फिरंगी एक्सेंट, बिस्किट, तुर्की अजीब गरीब इंग्लिश, बिस्कुट, अमेरिकन लोगों की एक्सेंट, स्कूल, मजबूत लकड़ी की एक्सेंट, स्कूल, अमेरिकन एक्सेंट, ब्यूटीफुल, poor in his struggles, ब्यूटीफुल। प्रीतम जी ने लिखा है लुकिंग लाइक फीमेल वर्जन ऑफ योगी आदित्यनाथ विथ हेयर्स। गजब बेइज्जती है। You look like Nora Fateh. Low budget Nora Fateh. क्यों गरीब इंसान की फीलिंग के साथ खेलते हो। Next, किसी ने मोमो के बारे में बोला है इतना काला कुत्ता क्यों लेके आई है। कुत्ते में नहीं जाना, बोलना ही कुत्ते में नहीं जाना। कंट्रोल पूनम कंट्रोल। नेक्स्ट किसी ने लिखा है यू आर सितुपित। क्या बोलना चाहते हो, क्यों बोलना चाहते हो? तो जैसे कि आपको पता होगा मेरा जो नाम है ना वो है पूनम, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे अजीब करीब नामों से बुलाते रहते हैं, तो अभी हम उनको करते हैं। किसी ने बोला है हेलो पूजा दीदी। पूजा तक तो ठीक है, यू नो पूनम पूजा तो चलता, इतना तो चलता ही है। यू आर सो क्यूट पोपट दीदी। ये मजबूर है पर आप नहीं। लोगों ने पोपट बना के रख दिया मेरा। आई लव योर वीडियो सो मच खुलेंदू दीदी। पूरम दीदी इज द बेस्ट। ये मेरे नाम का मजाक बना रखा है, अब मैं हंसू या रोऊं। हाय सोनम दीदी। चलो पू पूर्णा पूर्व ये तक तो सही था, लेकिन पी से एस तक कैसे हो गया? ये सस्ते नशे करना छोड़ दो। किसी ने बोला है तू सोचती है कि तू सुंदर है। यार मैं तो ऐसा नहीं सोचती, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते ना तो थैंक यू वेरी मच। सो नेक्स्ट वाला कमेंट्स मुझे पिंक कन्वीनियंस स्टोर चैलेंज वाले वीडियो में मिला है, और उस वीडियो में मैं H&M पर गई थी कुछ पिंक कलर के कपड़े खरीदने के लिए, और वहाँ पर उन्होंने कुछ चड्डीज वगैरह दिखाई थी, आपको उनका प्राइस बताया था। तो इस लेडी ने लिखा है बेशरम क्या गर्ल की प्राइवेट थिंग्स दिखाती है। दर्शना जी, जो शॉपिंग मॉल में चट्टीज बनियान कच्चे वगैरह होते ना, वो अगर हम देखते और खरीदते ना तो उसमें कोई बेशर्मी की बात नहीं होती। आप चड्डी नहीं पहनते, आप चड्डी नहीं खरीदते, वो कोई ड्रग्स वगैरह नहीं है कि छुप छुपा के खरीदने पड़ते हैं। सो बहुत सारे लोग मेरे कमेंट सेक्शन में अपने आप को प्रमोट करते हैं। सो गे ECE ने लिखा है सो गाइज अब मैं BJP ज्वाइन कर रही हूँ, #BJP4UP। गाइज इनको वोट कर देना, वोट की बहुत जरूरत है इनको। तो जैसे कि आपको पता होगा मैं नॉनवेज हूँ और मुझे नॉनवेज फूड बहुत ही पसंद है, और उस बात से कुछ लोगों को, कुछ अजीब करीब लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, और मैं किसी को जज नहीं करती। अगर आप नॉनवेज हो या वेजिटेरियन हो, आपकी मर्जी, आपको क्या खाना, आपके पेट के अंदर आपको क्या डालना है। तो उनमें से जैनब ने बोला है हाउ कैन यू ईट पोर्क मीट यू। ये यू बोलना जरूरी है क्या? So guys, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको आज का भी ये बहुत ही अजीब करीब वीडियो पसंद आया होगा, और एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट्स में मुझे बताइए कुछ डेयर्स वगैरह जो कि मैं कोरिया में कर सकूँ, और ये जो डेयर्स है ना वो नॉर्मल डेयर्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दीदी आप कन्वीनियंस स्टोर में जाओ और किसी के बालों के ऊपर पान थूक के आ जाओ, ऐसा मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास पान नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने बोला कि दीदी आप प्लीज इंडियन कोरिया में घूमे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास साड़ी है तो पुलिस सिक्योरिटी बोला है यहाँ पे कोरिया में, तो वो डेयर मैं नहीं कर सकती। एक्चुअली मैंने कुछ कपड़े ऑर्डर करे हैं इंडिया से, लेकिन वो 2-3 महीने बाद में यहाँ पे आ जाएंगे, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बता देना। सो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज किसी बात का बुरा मत मानना, मैं सिर्फ मजाक में ये बोल देती हूँ, ये कर देती हूँ, और अभी मोमू मेरे साथ खेलना चाहता है। सो आई होप कि आपको आज का भी ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और मैं आपको जल्दी से मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। तो जैसा उन्होंने आज रोस्ट किया या ऐसा मैं रोस्टिंग के साथ इंटरेस्ट ये था कि वो एडिटिंग किस हिसाब से करती हैं। हम अभी बाइंड द सीन्स यही बात कर रहे हैं कि बड़ी अच्छी एडिटिंग करती हैं। और वो यार आजकल ना हमारा एडिटिंग का बहुत ज्यादा इशू जा रहा है, कभी वीडियो लैग नहीं कर रही है, कभी एडिटर बतांग कर रहा है, और इसलिए 3-4 दिन से ना हम वीडियोस भी नहीं पोस्ट कर पा रहे, क्योंकि जब हम एडिट करने बैठते हैं वो इतनी लैग करता है कि हम फिर अगर किसी में से आपको पता है कि वो किससे एडिट करती हैं, वो नहीं यार बेस्ट एडिटर्स वो एडिटर तो हमें वो चाहिए यार, वो तो मुझे एडोब से करती हैं, एडोब से करती हूँ। एडोब ऐसे हमारे पास पता है, हम उसको थोड़ा सा हाथ सेट करेंगे, लेकिन अगर उसके अलावा आपको एक बेस्ट एडिटिंग ऐप्स पता है तो आप काइंडली हमारी हेल्प कीजिए। ये जो नीचे गेमर्स टाइप बंदे आते हैं वो सारा लिंक मेंशन करते हैं, कुछ मेंशन करते हैं, हम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो पे आते हैं क्योंकि हमारी वीडियो हाई पिक्सल होती है, वो नहीं अफोर्ड कर पाता हमारा एडिटर। बाकी वीडियो तो अच्छी थी और बहुत अच्छे तरीके से वो अपना कंटेंट जो है ना ब्लॉग के साथ साथ वो रोस्ट हर चीज रखती हैं। यस, और ये कंट्रोल पूनम कंट्रोल ये जो करती रहती हैं ये एक अच्छी कंटेंट टाइप लोगों को मजा आता है। फिल्टर बखूबी निभाती हैं वो इसके अंदर। यस, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये जो सारा कुछ करती हैं। बाकी हम बाकी व्लॉग्स भी पकड़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। नेक्स्ट व्लॉग अगर नया ना आया तब तक तो आपकी मर्जी का होगा, इसके नीचे कमेंट्स करते हैं, जो मोस्ट कमेंट होगा वो पकड़ा जाएगा। यार ये तो मैंने छुपाई थी ना ऐसे। तो अब आप इस व्लॉग को पसंद करें, ये वो पू के नीचे जो कमेंट करते हैं ना वो चड्डियों वाले, ये वो बंदा है।